News 18, India. और एक बेहद अहम और बड़ी खबर सियासत से जुड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान लगातार देशभर में चर्चा का विषय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीति में परिवारवाद पर बड़ा हमला कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी पार्टी या नेता या परिवार का नाम नहीं लिया, लेकिन माना यह जा रहा है कि उन्होंने अपने ही सहयोगी दल आरजेडी पर सीधे निशाना साधा है। नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर अपना भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने राजनीति में परिवारवाद पर सीधे सवाल खड़े किए इस मंच से। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता करते रहता है, नेता बनता है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। अगर दीदी की बात करते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने विपक्षी गठबंधन को तगड़ा झटका दे दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन में उनके प्रस्ताव नहीं माने गए। ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। क्या कहा है दीदी ने, जरा सुनिए। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার, অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার এলাই তো আমাকে একবার জানিয়েছে। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कांग्रेस और लेफ्ट से पल्ला झाड़ लिया। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले विपक्षी गठबंधन को एक के बाद एक कई झटके लगते दिखे, क्योंकि ममता के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। यानी विपक्षी गठबंधन को बंगाल और पंजाब में जोर का झटका लगा और इसकी बौखलाहट कांग्रेस नेताओं के चेहरे पर नजर आने लगी। अधीर रंजन चौधरी तो मीडिया के सवालों से नाराज ही हो गए। बंगाल के बारे में जैसे ही उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। पश्चिम की जानी ना मेरे को। अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ममता से जुड़े सवाल पर वो बौखला से गए। लिफ्ट में उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश में जुटे पत्रकारों को उन्होंने वहां से निकाल दिया। इसे कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी। और अधीर रंजन चौधरी से इसी बात पर जवाब मांगा गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जबकि ममता बनर्जी ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया कि वो बंगाल में अकेले चलेंगी। ममता ने अपने इस फैसले की वजह उनके प्रस्तावों की अनदेखी को बताया। और बंगाल के हावड़ा में कार्यक्रम में शामिल होने से पहले इस बारे में मीडिया से बात की। ममता अपनी गाड़ी रोककर उतरी और सीधा मुद्दे पर आ गई। वो गुस्से में दिखी और बिना घुमाए फिराए ऐलान कर दिया कि बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। और इंडिया की कोई ना हो अपना इलेक्शन भागो, हमरा सेकुलर पार्टी, हमरा बीजेपी के हारने के लिए जा करा। ममता के निशाने पर राहुल की यात्रा भी आ गई। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना अपना गुस्सा दिखाया। कुछ बिहार में तो राहुल की यात्रा से जुड़े पोस्टर भी फाड़ दिए गए। ये तस्वीरें उन्हीं पोस्टरों की हैं। हालांकि पोस्टर किसने फाड़े ये पता नहीं चला। ममता बनर्जी ने गठबंधन से अलग पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और ऐसे में कांग्रेस असहज हो गई है। उनके नेताओं को अब सफाई देते नहीं मन रही। गठबंधन पर पूछे गए सवाल पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी भड़क गए और उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता। अगर टीएमसी के नेता है कुणाल घोष, वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी दोहरी नीति या नहीं चलने वाली है। दुमुखो नीति एआईसीसी এত দিন বরদাস্ত করেছে কেন? দিল্লিতে আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মান দিচ্ছেন আর রাজ্যে আপনাদের কয়েকজন বিজেপিকে অক্সিজেন দিচ্ছে, এ দুটো একসঙ্গে হতে পারে না। हालांकि कांग्रेस के नेता अभी भी गठबंधन में दरार से साफ इनकार कर रहे हैं और सब कुछ ऑल इज वेल कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन गठबंधन के ही कई सहयोगी ने एक दूसरे पर अब हमले और ज्यादा तीखे कर दिए हैं। सीट बंटवारे को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, ये बातें मीडिया के सामने नहीं होती, इस बात में थोड़ी सी कश्मकश भी चलती है। जो इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका है उस पर कोई संदेह नहीं है, कोई सवाल नहीं है। ममता दीदी इस गठबंधन का हिस्सा है और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ममता कभी भी आरएसएस के खिलाफ कोई पॉलिटिकल गठबंधन में नहीं रह सकता है। ममता वो आरएसएस का पुतुल है। ममता और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है।
दरार पड़ गई है दीवार में, ये सबको दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस अभी भी डैमेज कंट्रोल कर रही है और कह रही है कि नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है, गठबंधन में दरार नहीं पड़ी है, सब कुछ ऑल गुड है, लेकिन गठबंधन के ही कई सहयोगियों ने एक दूसरे पर हमले शुरू कर दिए। इंडिया गठबंधन की ना कोई स्पष्ट नीति है, ना कोई स्पष्ट रोड मैप है और ना कोई आपस में तालमेल है। जितने भी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अपना एजेंडा है, तो ये सब ताश के पत्तों की तरह ये जो इंडिया गठबंधन है वो बिखर जाएगा और एक एक करके अभी तो शुरुआत है, आप देखिए ये गठबंधन कहीं ठहरने वाला नहीं। गठबंधन के साथी हैं ये चुनाव आपस में लड़ते हैं, राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो ये सीधे प्रतिद्वंद्वी हैं, यहाँ जहाँ आमना सामना होता है वहाँ उनको सब एक मंच में लाना बहुत कठिन होता है। लेकिन ममता ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव के दौरान ममता और कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं होगा और उन्हें बंगाल से गुजरने वाली राहुल की यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता। वैसे ममता ने एक दिन पहले संकेत दे दिए थे कि वो विपक्षी गठबंधन में शामिल कई पार्टियों से नाराज हैं और सीधा लेफ्ट पर निशाना साधा था, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। बंगाल में सीट बंटवारे पर कांग्रेस और टीएमसी पहले भी भिड़ चुके हैं, क्योंकि खबर आई थी कि टीएमसी बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें ही देना चाहती है। इस पर अधीर रंजन चौधरी भड़क गए थे, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बंगाल की 42 सीटों में 2 सीटें बिना टीएमसी को साथ लिए ही जीत गई थी। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और 2019 में टीएमसी के खाते में 22, बीजेपी के खाते में 18 और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें आई थी। लेकिन ममता के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले ने विपक्षी गठबंधन का झगड़ा बढ़ा दिया। इस पर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा और बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर लिखा गई भैंस पानी में। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी विपक्ष पर तंज कसा। ये तो नहीं था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। लेकिन कांग्रेस ने सब ठीक होने की उम्मीद जताई। एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने टीएमसी से बातचीत का रास्ता खुले होने के संकेत दिए। तो कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर रही है और दावा कर रही है कि विपक्ष के गठबंधन में अभी सब कुछ बिखरा नहीं है, हर समस्या का हल निकलता है, जबकि बीजेपी ने इंडी गठबंधन को बेमेल वाला गठबंधन करार दे दिया है। लेकिन जिसने जो कुछ भी कहा होगा मैंने सब देखा सुना है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अंत में सब बैठ के अक्रॉस द टेबल बात करेंगे और सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, सीट शेयरिंग से लेके कैंपेन स्ट्रेटजी और इंडिया गठबंधन एकजुटता से मजबूती से मैदान में उतरेगा। INDIA है वैसे भी, उसमें भारत के बीच में इंडिया के बीच में डॉट डॉट लगा रखा है और ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है। इंडी गठबंधन के कई दल अलग अलग राप अलाप रहे हैं और ऐसे में बीजेपी को हमला करने का एक बड़ा मौका मिला है। बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा है कि ये ड्रामा बस अब कुछ महीने ही चलने वाला है। पहले दिन से हम ये कह रहे थे, वी आर ऑल टेलिंग फ्रॉम द डे वन, कि ये तो फोटोशूट है, कुछ होने वाला नहीं है। तो एक 7-8 महीने के लिए एक ड्रामा चलाना था, चला दिया है। कुछ लोग बाहर आएंगे तो बाद में कुछ इंडी पंडी कुछ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी ने जो अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया है ये बताता है कि विपक्षी एकता में कोई दम नहीं था और वही घटना घटी है। माननीय मोदी जी के आंधी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। निश्चित रूप से 2024 में यशस्वी प्रधानमंत्री फिर एक बार सरकार बनाएंगे। दीदी से झटका मिला तो आम आदमी पार्टी ने भी दिल तोड़ दिया कांग्रेस का। पश्चिम बंगाल में टीएमसी से मिले झटके के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि पंजाब में पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। कैसे? मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कह रहे हैं कि 13-0 की लड़ाई है, हम अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी है हीरो। हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से मरा, देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0 और उम्मीद जताई कि विपक्षी गठबंधन का झगड़ा सुलझ जाएगा। इस बार विपक्षी गठबंधन का अलग अलग राज्यों में सीट शेयरिंग का प्लान था, लेकिन ममता ने उस प्लान पर पानी फेर दिया और उनके बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी भी उसी राह पर चलती दिखी, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ममता जैसे ही तेवर दिखाए और पत्रकारों के सवाल पर हंसते हुए जवाब दिया। भगवंत मान ने भी ममता की तरह ही कांग्रेस को झटका दिया। देश में पंजाब बनेगा हीरो।
2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। 2019 में पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में 8 कांग्रेस ने जीती थी और आम आदमी पार्टी के पास केवल एक सीट थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत से उत्साहित भगवंत मान ने कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐलान कर दिया कि अपने दम पर आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक का कहना है कि आखिरकार अंतिम फैसला तो नेतृत्व ही लेगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी हमारे साथ हैं। भगवंत मान साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है, पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है पंजाब में, तो जो गठबंधन हुआ इंडिया ब्लॉक का उसका फिर मायने क्या रह जाएंगे पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेंगे? नहीं, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये बात नई नहीं है। शुरू से ही आम आदमी पार्टी की लोकल यूनिट्स भी और कांग्रेस की लोकल यूनिट्स भी, इन्होंने अपने एस्पिरेशंस दिखाए हैं। हर स्टेट पे अलग अलग स्टेट्स के अपने लोकल यूनिट्स के एस्पिरेशंस हैं। अंतिम निर्णय जो होगा यहाँ पर जो बैठक होगी उस बैठक में लिया जाएगा। उस बैठक के बाद सभी पार्टियों के जो हेड है उनके पास जाएगा, मुहर लगेगी, फिर तय होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये सारी प्रक्रिया जल्दी हो जानी चाहिए। इंडी गठबंधन के घटक दलों ने कांग्रेस पार्टी को डेडलाइन दी थी लेकिन चली गई, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के साथ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों का पेच कहां पर आखिर फंसा हुआ है। बंगाल में कांग्रेस के पास लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं। कांग्रेस और सीटों के लिए दबाव बना रही है टीएमसी पर। टीएमसी ने कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट का ही ऑफर दिया है। उधर पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्थायी कमेटी में साफ मतभेद दिखाई दे रहा है और अब तो ऐलान भी हो गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अब 13-13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उधर बिहार की बात करें तो कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है पूरे बिहार में, जबकि जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस की इस बात पर सहमत नहीं।